ओके सो दिस व्लॉग इज अपेरेंटली रियली स्पेशल टू मी. अपेरेंटली लव्स देखो फिर से आ गया वीडियोस में. दो साल कंसेक्यूटिवली मेहनत से काम करने के बाद मैं कहता हूँ एक वेकेशन तो इंसान के लिए ज़रूरी बनती है. ऐसी सोई हुई शक्ल के ऊपर थोड़ा निखार आना चाहिए फिर से. लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हमें थोड़ी बैक स्टोरी पर फोकस कर लेना चाहिए. सो बेसिकली आई रन अ स्टोर कॉल्ड एज द फ्लो स्टोर विच आई स्टार्टेड इन 2019 नवंबर टू बी एग्जैक्ट. लेकिन फिर मसला ये हुआ था कि ब्रो दस्ती कोविड आ गया. लेकिन हमने पैसा कमाना तो नहीं छोड़ा. बीच में बॉयज़ के साथ नॉर्थ ट्रिप्स भी होते रहे बट इवेंचुअली इंटरनेशनल ट्रैवल करने का जो सीन बनता था ना इट वाज ऑलरेडी फक्ड बिकॉज ऑफ कोविड. सो फाइनली इन 2021 वी प्लान्ड अ ट्रिप टू दुबई विद द वाइब्स. तो सुन लेना तू है मेरा रफी मानो ना मेरे कभी बात हबीब ओ दिन रात यूं ही बे तो हम क्या करें अब जाने दो वो बातें कहां तो तेरी यादें जो बिगाड़े जहां. बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए जब आप एक प्लेन में बैठते हैं और आप कहीं पे लैंड होते हैं तो यू जस्ट हैव टू टेल मी विदाउट टेलिंग मी दैट दिस फ्लाइट इज फ्रॉम पाकिस्तान. खैर इतना खास कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन फन बहुत ज्यादा हुआ. दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारी सब सब के हो जाए आना बिस्तर धोरे तो कैसे सोए जाना बिस्तर धोरे लो लो लोरी सुनाना. ओके सो यू सी दिस. आप ये पाकिस्तानी 2500 रुपए में ये चला सकते हैं. ओके सो आई फॉरगॉट माय मास्क एट स्टारबक्स. इंग्लिश बोलना शुरू कर दी मैंने यहाँ फॉरेन एंड दे गेव मी अ मास्क. स्पोर्ट्स ब्रा फकिंग स्पोर्ट्स ब्रा. एक्सपो भी जाना चाहिए. दुबई में भी गुर्बत की कमी नहीं है. गुर्बत की देखे दुनिया में कहीं भी कमी नहीं है. कहीं भी कमी नहीं है. ये अब देखें आप गरीब गुरबा इंसान औरत मर कोई मसला ही नहीं है. यहाँ पे भी आप आए सड़क पे बैठे हाथ अपने आगे करें अल्लाह और ये लोग आपको सब दे इनको दर आप प्लीज दे दिए मैंने दे दिए एक एक दर पाकिस्तानी 50 रुपए दे दिए 50 रुपए दे दिए वहाँ 5 रुपए बहुत बड़ा दिल है माशाल्लाह आपका. व्लॉग जो है मैंने करना नहीं था इस ट्रिप का क्योंकि अपेरेंटली आई वाज लाइक ऑन अ वेरी 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 गुड सी मज़ेदार सी वेकेशन फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई रियली नीडेड आर टाइम. अगर और वो जो एक सारी एक वीडियो है वो तक बनेगी कि व्हाई आई नीडेड दिस वेकेशन मैं कहाँ पे था क्या कर रहा था यूट्यूब पे था डाउन क्यों रहा मेरा क्या था. तो है राइट नाउ वी हैव मेड इट टू द एक्सपो और अब हम जा रहे हैं वो शटल बस सर्विस में. तो लेट्स गो. तो हम यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी गेट के ऊपर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी जगह हैं. यहाँ पे मैंने सुना है डिफरेंट पवेलियंस हैं जहाँ पे अलग अलग कंट्री सिटीज़ हैं. मुझे पता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जितनी हाइप है हर एक इंसान को पता हुआ एक्सपो क्या है और हर एक इंसान ही जा रहा है. तो चलते हैं लेकिन सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे पाकिस्तानी पवेलियंस.
जब मैंने कहा था कि टिकट्स ले लेनी है ये पहले, आप कहते बहुत चीज़ें, हम आपकी सुनते नहीं हैं। The line is the bike. Okay, so we are stuck because we are all over 18 and we have a kid with us. Free pass, 0 AED. अच्छा, तो आप ये एक पासपोर्ट भी ले सकते हैं, इसमें आप जहाँ भी जॉन से भी विलियम में जाएंगे वहाँ पे आपका ठप्पा लगा देंगे। आप हमारी कंट्री से होके गए हैं, तो जैसे सुविने आप इससे एयरपोर्ट पे जाएंगे आपको चुपेड़े मार के बाहर निकाल दिया जाएगा यकीनन। बट या दिस इज इट, एंड वी आल्सो हैव टू गो थ्रू लाइक अ प्रॉपर बैगेज चेक कि आप कोई दो नंबर चीज़ें अपने साथ अंदर तो नहीं लेके जा रहे। स्पेशली डिक्लेयर्ड एज के हम बिल्कुल अच्छे लोग हैं और अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपरली। ओके, सो अलीना गॉट अस इन समहाउ। लोग लाइन में खड़े हैं काफ़ी सारे, देयर इज लाइक अ लाइन पीछे तक, लेकिन पाकिस्तानी रे। यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अभी हम एक जगह से निकल के एक वॉकवे से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और देखते हैं अब अगले में क्या है। गुड फ्लो लिख रहे हो ना, फर्स्ट पवेलियन डन। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता था कि वो जब भी सऊदी जाते थे तो अलबेक स्पेशल पैक करा के लाते, तभी सोचा हम भी ट्राई करें। लेकिन हम इतने ख्वार नहीं हैं कि ये जो पीछे लाइन है, सही है, ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ तक जाती है, फिर वहाँ से घूम के फिर वहाँ पे आएगी एंट्रेंस। तो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, ओह से हम सिर्फ पाकिस्तान पवेलियन में आए हैं, बस हम चल रहे हैं क्योंकि हम किसी में भी जाते तो इतनी लंबी लाइन है उसमें सिलाई नहीं है। इज़ नॉट द बेस्ट, वाजंट द बेस्ट आइडिया टू बी हेयर एक्सपो में। तो देखते हैं, अब अपेरेंटली वी आर गोइंग टू रशिया वाला, अब हम भी सब की तरह लाइन में खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान में तो जुगाड़ चल जाता है, बाकी तो दुनिया कहती है सर लाइन में लगे। And we literally spend our New Year's at a beach, jidhar sukoon, vibe, or New Year's. If you really wanna know, I'm full of self-doubt. And to be honest, it has never brought me down. No, 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 no. I'm really glad I'm not walking around. यस, जब मैं लास्ट टाइम दुबई गया था तो दुबई मॉल से अगर आप बैक साइड से बाहर निकलो तो
फ्रंट पे ही ना एक हुक्का बार है लाउंज, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो देयर, लेकिन अपेरेंटली 25,000 रुपये का शीशा होता था वहाँ पे, और मेरी अम्मा जी मेरे साथ थी तो मुझे खींच के चपेड़ मारती कि 25,000 रुपये का शीशा भी होगी तुम, तो या व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स यू कैन लिटरली डू दैट। इसके अलावा भी बहुत सारे गोल्स एंड ड्रीम्स थे लेकिन वो पूरे नहीं हो सके, उसकी बात थोड़ी देर बात करते हैं। अब बातों की बात रही टाइटल की, तो पैसे तो मैं बहुत सारे लेके गया था, ठीक है, जितने लिखे हुए हैं उतने तो मैं लेके गया था, लेकिन आई कुडंट स्पेंड इट बिकॉज ऑफ द रीज़न न्यू ईयर्स था, न्यू ईयर्स पे स्काई डाइव बुक थी, स्कूबा डाइव बुक थी, मतलब आप जहाँ पे हाथ डालोगे ना सब जगह बुकड है सब। बट फिर जिधर दोस्त हों और वाइफ हो उधर तो फिर fun.com हो ही जाता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। असल पार्टी उस ब्लॉग में है, और अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि वो ब्लॉग किस बारे में है, सो या अनदर इंटरनेशनल ट्रिप which was fully sponsored. Everything you ever told yourself were lies, and believe me, I can sympathize. Video end होने से पहले मैं इतना बता दूं कि ज़्यादा खुश नहीं हूँ ना, कुछ करते कराते भी 6,00,000 रुपया मेरा दुबई में लग गया था, जिसमें से 4,00,000 रुपये की तो सिर्फ शॉपिंग कर ली, और मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी शॉपिंग नहीं की जितनी मैंने इस ट्रिप पे कर ली। तो अगर आप जा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे बहुत कम हैं तो दुबई मत जाएं, कहीं और चले जाएं, दुबई बहुत महंगा है, मैनू माफ़ करो, मेरे 2 साल की मेहनत सारी लग गई दुबई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दुबई में इतनी याशी कैसे करूँ। हॉलवे से बुर्जुल अरब के गुजरते हुए सबसे पहले हमें डस्टबिन दिखाई देता है, फिर हमारा रूम नंबर 17 में स्पेशल एंट्रेंस के साथ गिरते ही आपको गन नजर आएगा, और आप थोड़ा सा ही आगे आ जाएं तो ये हमारा 7-star वॉशरूम विद जकूजी, प्लीज़ जकूजी का नज़ारा इनको कराया जाए, जहाँ पे आप अगर नहाएं तो पानी यहाँ पे पूल बन जाता है ऑलरेडी, और कोई तौलिए का इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम और माशाल्लाह इसका फ्लश भी नहीं चलता, और ये भी सुबह 7 बजे बन जाता है। एनीवेज यहाँ से बाहर चलते हुए हम आपको दिखाते हैं, एक यहाँ पे शीशा दिया जहाँ आप अपनी गंदी सी शक्ल बहुत प्यारी देख सकते हैं, और उसके बाद नीचे आप देखें बल्कि ना देखें बहुत गंद है। तो यहाँ पे हमारा एक ये सिंगल बेड है, एक ही डबल बेड है, ये मेरा बेड है, वो उमर का बेड है, रूम सर्विस जब आती है उसको सवार देती है, मुझे कहते हैं निगल। उसके बाद आप थोड़ा सा ही और आगे हैं तो ये कर्टन्स हैं, कर्टन्स को आप सुबह उठ के ऋतिक रोशन की तरह ऐसे करेंगे तो सामने आपको बनियान स्क्वायर दिखाई देगा। बनियान स्क्वायर में आप बाहर आएंगे तो माशाल्लाह गंदे नाले का नज़ारा, और पीछे है बुर्जुल खलीफा, और ये था बुर्जुल अरब की तरफ से इमाद बुखारी लाहौर।